गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण कराने वाले गैंग का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अलावा एटीएस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। धर्मांतरण के गेम का खुलासा तब हुआ था जब एक जैन परिवार ने 5 बार जिम जाने वाले नाबालिग बेटे की रेकी शुरू की। धर्मांतरण का मोबाइल गेम, 5 बार जिम जाने वाला खेल, गाजियाबाद में गेम का मौलवी। मुंबई से बद्दो का शातर खेल, मामले में पहली गिरफ्तारी, साजिश के सूत्रधार की तलाश जारी। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्म बदलवाने वाली साजिश की जांच में जुटी पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। आरोपी अब्दुल रहमान गाजियाबाद में संजय नगर की मस्जिद में रहता था और मस्जिद का काम देखता था। इस साजिश का सुराग तब मिला था जब गाजियाबाद में एक जैन परिवार का नाबालिग लड़का दिन में 5 बार जिम करने जाने लगा। जब वो घंटों बाहर रहने लगा तो पिता को उसकी रेकी करनी पड़ गई। गाजियाबाद के पौश इलाके कविनगर के परिवार ने जब बेटे का पीछा किया तो उसके कदम इस मस्जिद के सामने आकर रुके। थाना कविनगर में जिस मस्जिद के मौलवी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, हम इस समय उसी मस्जिद के बाहर हैं जिसमें नाबालिग किशोर, वह नाबालिग किशोर जो कि दूसरे धर्म का था और इसी मस्जिद में आकर 5 टाइम की नमाज पढ़ने लगा। जो उसके पिता थे उसकी रेकी की और उन्होंने देखा कि हमारा जो बच्चा है यह कहाँ जाता है। वह झूठ बोलने के बाद इस मस्जिद में आया करता था, जो कि घर में बोला करता था कि मैं 5 टाइम जिम जा रहा हूँ, लेकिन 5 टाइम वह जिम नहीं, वह 5 टाइम इस मस्जिद में आता था और इस मस्जिद में आने के बाद यहाँ नमाज पढ़ता था। परिजन उस समय तो कुछ नहीं बोले, बाद में जब बेटे से बात की तो खुलासे शुरू हुए। 17 साल के लड़के ने बताया कि वो ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान मुंबई के एक शख्स के संपर्क में आया और फिर ब्रेन वॉश का गेम शुरू हो गया था। नाबालिग के दिमाग में उसके धर्म को लेकर गलत बातें बताई गई और इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। परिजनों के मुताबिक ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान पहले वो मुंबई के बद्दो नाम के युवक और फिर गाजियाबाद के एक शख्स के संपर्क में आया। दोनों उसको धर्म बदलने के लिए करीब 2 साल से उकसाते रहे। परिजनों के मुताबिक मुंबई में रहने वाला बद्दो नाम का युवक नाबालिग से घंटों बात करता था, व्हाट्सएप और ईमेल से धार्मिक सामग्री भेजता और भगोड़े जाकिर नायक की तकरीर के वीडियो के लिंक भेजता। हालात ऐसे हो गए थे कि अगर इस्लाम धर्म के बारे में नाबालिग के सामने कुछ कहा जाता तो वो चिढ़ जाता था। डॉक्टरों का कहना है कि अगर आप अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे, उनसे दोस्ती नहीं करेंगे तो बाहरी लोग उन्हें बरगलाने के इंतजार में बैठे ही रहते हैं। बच्चों से जैसे नहीं कहते बच्चा बन जाइए, उनके दोस्त बन जाइए, दोस्त उनकी हर बात को, ताकि वो शेयर करें आपसे कुछ भी चीज़, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, बातों को शेयर करें। तो मेरा सबसे पहले यही कहना है कि बच्चों को टाइम दें प्रॉपर और कोशिश करें उनको एलेबरेट करने की कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पढ़ाई में क्या है क्या है, और उनके क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है उनको निकालना और उनको समझना। मोहब्बत के नाम पर धर्म परिवर्तन के मामले अब हर रोज सुनाई देते हैं। गेम की वजह से सुसाइड, चोरी जैसे भी मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन गेम के दौरान नाबालिग को धर्म परिवर्तन करने के लिए बरगलाने का ये पहला मामला है। मामले की यूपी पुलिस के साथ ATS भी जांच कर रही है। शक्ति सिंह, ABP गंगा, गाजियाबाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।